जब से बीजेपी नहीं है, जब से बीजेपी आई है इसमें इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया। बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा ना, तो पहले इतना साल से पहले गिराइएगा इस बार जी। मैं वोट को पहला वोट गिराइएगा, फर्स्ट टाइम वोट गिराऊंगा। क्या आधार पे दीजिएगा, किस आधार पे पहला? मैं इस बार रोजगार पे दूंगा। बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है। जो आप ILO का रिपोर्ट आया, इंडियन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट जारी की है, अब देखिएगा 70 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है अभी भारत में। और इस बार विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ी है कांग्रेस, मैं इसलिए उनका सपोर्ट करता हूँ। और इस पार्टी को जो छोड़ करके चले गए शायर एक कहता है, मैं एक बात आपके बीच में मीडिया के थ्रू कहता हूँ। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत इस वक्त हम बिहपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है इस बार, क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। क्या होगा माहौल, क्या है इस बार भागलपुर का माहौल? यही है, अजीत शर्मा जी जो खड़े हुए हैं उसको ही हम लोग सब सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आज आप लोग देख रहे हैं एकदम लाइन लगाए हुए हैं, क्या बात है? हाँ, नेहा शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं, वो सुना नेहा शर्मा जी आ रहे हैं। नेहा शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं, वो रैली अजीत शर्मा नेहा शर्मा जी का अभी रैली निकलने वाला है इधर से। हाँ, उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो सपोर्ट करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पे। नेहा शर्मा के लिए रुके हुए हैं या अजीत शर्मा के लिए? अजीत शर्मा जी का, अजीत शर्मा के लिए। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नेहा शर्मा को देख लीजिएगा वोट नहीं दीजिएगा? ऐसा थोड़ी ना। हम लोग शुरू से बहुत पहले से कांग्रेस ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस क्यों आखिर? कांग्रेस सरकार में भेदभाव नहीं है, जाति का ये सब कुछ नहीं है, सबको सबका को लेकर के एक साथ लेकर के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का ये सब कुछ नहीं है। जब से बीजेपी आई है इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया। बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा ना, तो पहले इतना साल से पहले जब से कांग्रेस 70 साल राज किया, कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। भागलपुर में दंगा कब हुआ था? वो तो बहुत पहले हुआ था भागलपुर में, हुआ लेकिन ऐसा तो बहुत जगह बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद से कहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ। अभी आज के ज़माने में देखिए हर जगह हिंदू मुस्लिम, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, हिंदू मुस्लिम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बजरंग बली के इंतजार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माजिद अनवर। हाँ, क्या इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार यही कर रहे हैं कि जो आज तक भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में, अब तक चाहे पूर्व में बुलो मंडल जी रहे हो या फिर हमारे अजय मंडल जी वर्तमान सांसद, उनके रहते हुए भी जो कार्य, जो काम, जो विकास अब तक बिहपुर विधानसभा में है, 7 विधानसभा, लेकिन उसमें बिहपुर विधानसभा जिसको सबसे पीछे रखा गया, उस विधानसभा में काम हो, अजीत शर्मा का यहाँ पर हम लोगों को सख्त जरूरत है, जिसके वजह से हम लोग उनको पार्लियामेंट भेजेंगे। यहाँ पर जितनी भी जनता खड़ी है उसकी आवाज़ बनकर वो पार्लियामेंट में गरजे। मैंने उन्हें देखा है कि विधानसभा में भी वो हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उनका एक मकसद था, हम लोगों का भी सोच था कि ऐसे नेता को यहाँ से टिकट मिले जो यहाँ से ही नहीं पूरे इस बिहपुर से लेकर पूरे देश में आवाज़ बने और पार्लियामेंट में जाकर हम लोगों की दबी कुचली जो आवाज़ है उनके आवाज़ को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हम लोग अजीत शर्मा को चुनना चाहते हैं। और इसमें कोई बात नहीं है, और विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ी है कांग्रेस, मैं इसलिए उनका सपोर्ट करता हूँ। और इस पार्टी को जो छोड़ करके चले गए शायर एक कहता है, मैं एक बात आपके बीच में मीडिया के थ्रू कह दूँ कि शायर कहता कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, अब बुजदिल खुल कर साथ नहीं चल सकते, जो छोड़ गया उन्हें जाने दो, हर कोई अजीत शर्मा जी के साथ नहीं चल सकते। ये आपको समझ में आ गया होगा किन के लिए हमने कहा, ये जो लोग इनके साथ चलने वाले थे, जो महागठबंधन के साथ थे, उन्होंने इसका पीछा छोड़कर, इनसे हाथ छुड़ाकर वो चले गए, इसीलिए शायर कहा कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुजदिल खुल कर मंडल को कांटा बोल दिया। बिल्कुल खुल कर साथ नहीं चल सकते, जो छोड़ गया उन्हें जाने दो, हर कोई अजीत शर्मा जी के साथ नहीं चल सकते। आपका क्या नाम है, इधर आइए। अब्दुल राजिक। युवा हैं आप, कितना उम्र हो रहा है आपका? 22 साल। 22 साल। रोजगार मिला कुछ? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला। और रोजगार तो सबसे ज्यादा चरम सीमा। वोट गिराइएगा इस बार जी। मैं वोट को पहला वोट गिराइएगा, फर्स्ट टाइम वोट गिराऊंगा। क्या आधार पे दीजिएगा, किस आधार पे पहला? मैं इस बार रोजगार पे दूंगा। बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है। जो आप ILO का रिपोर्ट आया, इंडियन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट जारी की है, अब देखिएगा 70 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है अभी भारत में। और इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं इसलिए कि राहुल गांधी इस पे काम करने वाले हैं। और बिहार में 40 MP का ये सीट है, जिसमें से पिछली बार 39 सीट बीजेपी को मिला, लेकिन बीजेपी की सरकार रहते हुए भी
न बिहार में मेडिकल बना, न रोजगार मिला, न हेल्थ का व्यवस्था अच्छा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसी आधार पर आप लोग बोल रहे हैं। और इस बार जो तेजस्वी यादव हाँ। बिहार के पूर्व सीएम थे हाँ। तो उन्होंने जो रोजगार दिया टीचरों को सबसे ज्यादा वैकेंसी 17 महीना में तेजस्वी यादव ने दिया। इस बार हम लोग महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं। चलिए कांग्रेस जिंदाबाद। इस वक्त हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना बीपुर विधानसभा में थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।